आपका स्वागत है। और आज है बच्चों के दोस्तों कुछ खाने की डिमांड, तो मैं फटाफट कचौरी बनाऊंगी। कैसे बनाऊंगी, ना दाल भिगी हुई है मेरी और ना मैंने पिट्ठी पीसी है, कुछ भी नहीं किया है, और मैं ऐसे ही कच्ची दाल की कैसे बनाऊंगी देखना आप। कचौरियाँ फटाफट बन जाती है, बहुत टेस्टी बनती है कचौरियाँ भी। और इस दाल को मैं धो कर दो तीन बार थोड़ा सा कम पानी में उबाल दे दूंगी। ये दाल को मैं 3 से 4 बार धो के और बहुत थोड़ा सा पानी डाला है, इसको अब उबलने चढ़ा दूंगी मैं। और बिल्कुल पानी सूख जाएगा जब हम इसको उतारेंगे, थोड़ी सी मुलायम हो जाएंगी तब। और यहाँ लिया है मैंने 1/2 किलो मैदा, जिसमें डाल देंगे 1 पिंच बेकिंग पाउडर, इसको मिला लेंगे। और अपने स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे हम इसमें आटे के अंदर। इनको मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से। और इसमें डालूंगी मैं 150 ग्राम रिफाइंड ऑयल। इनको भी सबको हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको चीज़ कोई भी बहुत खस्ता बनानी है तो 1 किलो आटा हो, मैदा हो या सूजी हो, मट्ठी वगैरह बनानी हो, कुछ भी, तो 1 किलो के अंदर 300 ग्राम मौन का अंदाज़ा रहता है। अगर आपको अंदाज़ा ऐसे नहीं आए तो जब हम मौन डालते हैं तो हमारी ये मुट्ठी ऐसे बंद कर तैयार होनी चाहिए, तो मौन समझो हमारा बराबर है ये। अब इसको गुनगुने पानी से हम आटे को खूब लोच लगा लगा कर गून देंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए और इसको गूंदते जाइए। मसल मसल के गूंदे, नरम करें आटे को, उतना ही हमारा सॉफ्ट बनेगा आटा। थोड़ी देर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर मसलेंगे इसको। यह आटा हमने मसल मसल के इतना मुलायम कर लेना है कि हमारी परात पे आटा चिपका हुआ नहीं दिखे। इसको खूब लोच लगा लगा के और इसको बिल्कुल सॉफ्ट कर लेना है हमें। देखिए परात पे बिल्कुल नहीं चिपक रहा है अब ये आटा, बिल्कुल परात साफ है हमारी। और ये देखिए अब इसको, इस आटे को हम ढक के रख देंगे। ये दाल भी हमारी उबल चुकी है, इसको ठंडा होने तक रखेंगे हम। ठंडा हो जाएगा भी 5 मिनट में, फिर मैं बताती हूँ आगे। और ये दाल है जो, ये मैंने थोड़ी सी ग्राइंड कर ली है, बहुत ज़्यादा नहीं की है, बहुत बारीक नहीं किया है। और इसके अब मसाला तैयार करेंगे। और इधर लिया है मैंने ये कचौरी के साथ खाने के लिए धनिया, धनिया की चटनी बनानी है, जिसमें काटी है मैंने 3 से 4 मिर्च, हरी लहसुन की कलियां हैं इसके अंदर, और थोड़ा है डालेंगे इसके अंदर अदरक का पेस्ट और नमक, जीरा, सिर्फ यही डाल के इसको हम पीस लेंगे। ये धनिया की चटनी बनाएंगे हम खट्टी मीठी, तो उसके लिए मैं डाल दूंगी 1 चम्मच चीनी, 1/2 चम्मच जीरा और स्वाद अनुसार नमक। ये डाल के हम इसको पीस लेंगे। और 1/2 नींबू का ये रस निकाल के रखा है चटनी बनने के बाद, उसमें ये रस डाल देंगे। और थोड़ा सा डाल दिया है ये अदरक का पेस्ट मैंने, अब इसको पीस लेते हैं। और पीसने के बाद मैं इसमें अनार के दाने भी डालूंगी। ये चटनी हमारी पीसकर हो गई है तैयार, और इसमें अब डाल दूंगी 1/2 नींबू का रस और ये कुछ अनार के दाने हैं, ये इसमें डाल दूंगी। अनार के दाने ये खट्टी मीठी चटनी में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और इस चटनी को आप और भी पतला कर सकते हो, क्योंकि कचौरी के साथ खानी है, बहुत से लोग कचौरी के अंदर डाल के खाते हैं। तो ये हमारी चटनी बनकर हो गई है तैयार।
और मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, आई बेल बटन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। ये दाल को मैंने हल्का किया है, देखिए बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है इसको। और अब करेंगे कचौरी में भरने की मसाले की तैयारी, उसकी स्टिंग बनाने के लिए। और मैंने उसके लिए क्या क्या लिया है, ये लिया है 2 चम्मच बेसन, मैंने सौंफ ली है 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच आधा चम्मच गरम मसाला, हींग लिया है आधा चम्मच, नमक लिया है सादा, काला नमक लिया है, और ये लिया है जीरा पाउडर और हल्दी पाउडर। कढ़ाई में मैंने ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए। तेल हमारा गरम होने आया है, इसमें डाल देंगे ये 1 चम्मच सौंफ, अब डाल देंगे इसमें बेसन, अगर मैं इसमें बेसन नहीं भी डालती तो भी चलता, क्योंकि हमारी पिट्ठी बहुत एकदम मैंने उबाल के किया है इसको, तो वैसे ही मिल जाती, लेकिन बेसन से और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ये बेसन भुन जाएगा। तो इसमें सारे मसाले ऐड कर दूंगी मैं। हमारा बेसन भुन चुका है, अब इसमें एक एक करके मसाले, सबसे पहले डालूंगी हींग ताकि हींग भुन जाए हमारा बहुत अच्छे से, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, काला नमक और ये सादा नमक। इनको सबको अच्छे से भूनेंगे। गैस को मैंने सिम कर दिया है, सब मसाले हमारे भून जाएंगे तो ये जो दाल पीसी है वो इसके अंदर मैं मिला दूंगी। ये भून गया है, अभी जो दाल पीसी हमने ये पूरी इसमें डाल देंगे। अब इसको बहुत अच्छे से भूनेंगे हम दाल को। भुनने तक इसको बहुत अच्छे से भुनने तक हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा सेंधा नमक भी ऐड कर देंगे, क्योंकि जब हमारा मसाला होता है जो भरने के लिए होता है उसमें थोड़ी सी मिर्च और नमक हल्का सा तेज होना चाहिए, ताकि जब हम कचौरियाँ भरते हैं तो उसमें खाने में वो बराबर लगे, नहीं तो हल्का नमक लगेगा और हल्की मिर्च लगेंगे। मिर्च अपने हिसाब से डालें, बच्चों को खाने कम डालें, बड़ों को अगर स्पाइसी खानी है तो थोड़ी मिर्च और डाल दें आप, लेकिन हमारी कचौरियाँ जो हैं ये नॉर्मल ही बनेंगी, ना तेज मिर्च है ना कम मिर्च है इसके अंदर। और हम इसको जब तक भूनेंगे जब तक हमारी दाल में भुनने की खुशबू नहीं आ जाएगी। इसको अभी और भुनने देंगे थोड़ा सा। दाल हमारे बहुत अच्छे से भुन गई है और मैं गैस को कर देती हूँ बंद और थोड़ा सा इसको ठंडा होने देती हूँ। कचौरी बनाने के लिए मैंने मसाले को ऐसे गोल गोल बना के रख लिया है, कुछ को छोटा बनाया है, कुछ को बड़ा बनाया है। थोड़ी बड़ी कचौरी बनाएंगे, थोड़ी बनाएंगे हम छोटी कचौरी। और इधर हमारा आटा भी है, बिल्कुल लोच आ गई है इसके अंदर बहुत अच्छे से, इसको और मसल लेंगे 2 मिनट। और तेल मैंने चढ़ा दिया है कढ़ाई में, इसमें बहुत तेज तेल की जरूरत नहीं है, स्लो मीडियम तेल लगेगा हमारा। और इसकी लोई तोड़ती हूँ मैं, ये लोई तोड़ी है इसकी। पहले छोटी कचौरियाँ बनाते हैं हम, ये लोई तोड़ी है। जितना हमारा मसाला होता है उतनी ही लोई होती है, इसको फैला लेंगे।
आसपास से दबाकर इसको पतला कर लेंगे, बीच का मोटा छोड़ देंगे इसको, क्योंकि हमारा मसाला जाएगा इसमें। और ये एक लोई इसके अंदर ऐसे रख के इसको चारों तरफ से कवर कर देंगे, ये ऐसे गोल घुमा देंगे, और ये ऊपर जितना फालतू बचेगा इसको तोड़कर वापस आटे में लगा देंगे, और ये इसको ऐसे दबा लेंगे। सभी छोटी कचौरियों को हम ऐसे बना के रख लेंगे, ये बस इतना ही। इनको बना बना के रखते जाएंगे, ये बिल्कुल ऐसे किया। हर एक कचौरी को हम, और हाथ से दबा दो इसको, आप चाहो तो इसको बेल भी सकते हो, लेकिन बेलने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, हमारा मसाला वैसे ही चारों तरफ फैल जाएगा। ये छोटी कचौरियां हैं। ये तेल हमारा गर्म हो गया है, हमें स्लो मीडियम ही तेल चाहिए, ये बहुत तेज तेल नहीं चाहिए। और इसमें एक एक करके कचौरी छोड़ देंगे हम, और कचौरी जब पकने लगेगी तो अपने आप ऊपर आएगी, इसमें झर लगाने की भी जरूरत नहीं है। ये देखिए कचौरियाँ हमारी जब फूल गई हैं, अपने आप ऊपर आ गई हैं, ये इनको छेड़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप ऊपर आ जाती हैं ये। इनको अब धीरे धीरे पलट देंगे। कचौरियाँ हमारी सिक गई हैं, इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। थोड़ी सी और सेकूंगी इस वाली कचौरी को, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही सिकने की इनमें से। थोड़ा सा और सिकने देंगे इस वाली को। ये बड़ी है, ये दो दो डालूंगी इसके अंदर, और ये टिश्यू लगी थाली में मैं रख देती हूँ। देखिए हल्का सा भी तेज तेल होगा ना तो ऐसे ऐसे बुलबुले बुलबुले से उठ जाएंगे कचौरी के ऊपर, कचौरी हमारी प्लेन नहीं बनेगी। तो इसलिए मीडियम ही तेल रखना चाहिए इसके अंदर गर्म, बहुत तेज भी नहीं होना चाहिए और बहुत ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अगर ठंडा होगा तो हमारी कचौरियाँ फट जाएंगी, उसका मसाला निकल जाएगा बाहर, और तेज रहेगा तो ऐसे बुलबुले उठ जाएंगे उसमें, तो इसलिए मीडियम ही तेल रखें। ये बन गई बड़ी कचौरी हमारी। अब मैं सबको ऐसे ही बना लूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि हमारी कचौरी कैसी बनी। कचौरियाँ बनकर हो गई हैं हम तैयार, और मैंने डाल दी हैं एक कैसरोल में, और इधर बन गए क्योंकि मेरी कचौरी और मिर्ची कम है और किसी को ज़्यादा चाहिएगी, तो उसके लिए बना दी है मैंने ये लहसुन की चटनी, लाल मिर्च वाली। इसके साथ में होगी इमली की मीठी चटनी और दही। और मेरा चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, आई बेल बटन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच।